जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ भारत के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा यूनिट है और इसी सीआरपीएफ में कई सारे स्पेशल कमांडो यूनिट्स भी मौजूद है। आज उन्हीं सब यूनिट्स के डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहला स्पेशल यूनिट है कमांडो बटालियन फॉर रिसोलेट एक्शन यानी कि कोबरा। सीआरपीएफ का ये जंगल वॉरियर कमांडो यूनिट है जिसका गठन सन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडोज को नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। अब नक्सलियों का ठिकाना सबसे ज्यादा जंगल वाले इलाके पर होते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड किया गया। सीआरपीएफ का सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट कोबरा ही है। इनकी ट्रेनिंग भी सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इन्हें जंगल सर्वाइवल, जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर, नेविगेशन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट जैसे तमाम कमांडो टेक्निक्स में ट्रेंड किया जाता है। सन 2008 से लेकर के 2011 तक जब नक्सलवाद अपने चरम सीमा पर था, तब नक्सल इफेक्टेड एरियाज में जैसे कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में कोबरा कमांडोज को डिप्लॉय किया जाने लगा और कोबरा कमांडोज बहुत ही बेहतरीन तरीके से नक्सलियों का सफाया भी किया करते थे। इसीलिए सीआरपीएफ के सिर्फ कोबरा यूनिट में ही 4 शौर्य चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 1 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 1267 डीजी कमेंडेशन बैच भी मौजूद है। दूसरा यूनिट है एसडीजी यानी कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। इन्हें तैनात किया जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी होता है वो कुल मिलाकर 7 घेरे में होता है। इसमें से जो तीसरा घेरा है वहां पर रहते हैं सीआरपीएफ के स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के कमांडोज। पीएम के आसपास का जो पहला घेरा होगा वो एसपीजी कमांडोज का होगा, जो दूसरा होगा वो एनएसजी का होगा और तीसरा घेरा होगा एसडीजी यानी कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के कमांडोज का। पीएम की सिक्योरिटी के लिए इन्हें भी एडवांस लेवल की स्पेशल ट्रेनिंग भी सीआरपीएफ के द्वारा ही दिया जाता है। तीसरा यूनिट है पीडीजी यानी कि पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। ये सीआरपीएफ का ही एक टास्क फोर्स है जिसे डिप्लॉय किया जाता है पार्लियामेंट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है कॉम्बैट सिचुएशन, वीआईपी प्रोटेक्शन टेक्निक्स, बायोकेमिकल अटैक्स को हैंडल करना, रेस्क्यू ऑपरेशन टेक्निक्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में इन्हें ट्रेंड किया जाता है। पीडीजी कमांडोज को पार्लियामेंट ड्यूटी के लिए एडवांस वेपन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें ग्लॉक पिस्टल, MP5 सब मशीन गन, इंसा स्नाइपर राइफल जैसे हथियार भी दिए जाते हैं। पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के साथ में दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसपीजी, एनएसजी भी शामिल रहते हैं। सीआरपीएफ का चौथा स्पेशल यूनिट है रैफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। रैफ सीआरपीएफ का 15 बटालियन विंग भी है। ये बात है सन 1992 की, जब भारत में दंगे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। कहीं भी भीड़ के बीच में दंगा शुरू हो जाता था तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास में कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग और हथियार नहीं था। तब सीआरपीएफ के कुछ जावाजों को लेकर के बनाया गया रैपिड एक्शन फोर्स। इनको स्पेशली ट्रेंड किया गया कि किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करके और राइट को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेनिंग के बाद रैप इतना कैपेबल हो गया कि किसी भी बड़े दंगे को वो घंटों भर में ही खत्म कर सकते हैं। चाहे कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो, चाहे कोई भी दंगाई हो, रैप को ट्रेंड किया गया 3 हिस्सों में, राइट कंट्रोल एलिमेंट, टियर गैस एलिमेंट और फायर एलिमेंट। इन तीनों चीजों को किस तरीके से यूज करके भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, दंगाई को खत्म किया जा सकता है, इसके लिए उन्हें ट्रेंड किया गया। रैफ में एक फीमेल कंपनी भी मौजूद है जो इफेक्टिवली वुमेन के द्वारा किए गए दंगे को इजीली हैंडल कर सकती है। रैपिड एक्शन फोर्स के पास एक स्पेशल यूनिक फ्लैग भी मौजूद है जो पीस और शांति को डिस्क्राइब करता है। और रैफ की जो यूनिफॉर्म है वो सभी फोर्सेस से अलग है। इनकी ब्लू कैमोफ्लेज्ड यूनिफॉर्म शांति का ही प्रतीक है। सीआरपीएफ का स्पेशल यूनिट तो नहीं कह सकते, लेकिन सीआरपीएफ के अंडर में क्यूएटी कमांडोज भी मौजूद होते हैं। क्यूएटी यानी कि क्विक एक्शन टीम। ये ज्यादातर कश्मीर के वैली एरियाज पर ऑपरेट करते हैं, यानी कि अगर सीआरपीएफ का जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले, सबसे बेहतरीन और सबसे ट्रेंड जो कमांडोज होंगे वो आगे रहेंगे, वो पहले एंगेज होंगे और एक क्विक एक्शन टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन ये कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, इन्हें कहा जाता है क्यूएटी। ये जो टीम है ये बराबर चेंज होते रहते हैं, यानी कि एक यूनिट में हमेशा कोई क्यूएटी कमांडो बनकर के नहीं रहेगा, वो चीज चेंज होती रहेगी। अपने ट्रेनिंग और जरूरत के हिसाब से सीआरपीएफ के द्वारा ही क्यूएटी कमांडोज को लीड और चेंज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो सीआरपीएफ के यही थे 5 स्पेशल कमांडो यूनिट। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।